पिछले 10 साल में फिनटेक स्पेस में 31 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश हुआ है। हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स में 500% वृद्धि हुई है। भारत में ब्रॉडबैंड यूजर यानी करीब 94 करोड़ हो गए, यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। भारत का यूपीआई फिनटेक का बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। भारत में फिनटेक की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। फिनटेक ने फाइनेंशियल सर्विस को डेमोक्रेटिक बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई। एआई के दुरुपयोग से जुड़ी आपकी चिंताओं को भी समझता हूं। फिनटेक को एक नया बाजार मिला है। 21वीं सदी की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। भारत आज पूरी दुनिया के लिए उम्मीद का नया नाम बन गया है। भारत मतलब वो देश जो संभावनाओं से भरा हुआ है। भारत मतलब वो देश जो युवा जोश से लबरेज है। भारत मतलब वो देश जो आज वैश्विक मंच पर सबकी आवाज बनकर उभरा है। इसी तरह भारत का फिनटेक दुनिया भर के लोगों का जीवन सुगम बनाने के लिए काम कर रहा है। मुंबई में वैश्विक फिनटेक सम्मेलन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदले हुए भारत की तस्वीर पेश की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का फिनटेक को अपनाना गति और पैमाने के मद्देनजर विश्व में बेजोड़ है। दुनिया भर के डिजिटल लेन देन भारत में तत्काल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में फिनटेक स्टार्टअप में रिकॉर्ड इजाफे के जरिए भारत की उभरती ताकत को दुनिया के साथ साझा किया। यहाँ बड़ी संख्या में विदेशों से हमारे मेहमान भी आए हैं। एक समय था जब लोग भारत आते थे तो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी देखकर दंग रह जाते थे, हैरान हो जाते थे। अब लोग भारत आते हैं तो हमारी फिनटेक डाइवर्सिटी को देखकर भी हैरान होते हैं। एयरपोर्ट पर लैंड करने से लेकर स्ट्रीट फूड और शॉपिंग एक्सपीरियंस तक भारत की फिनटेक क्रांति चारों तरफ दिखती है। पिछले 10 साल में फिनटेक स्पेस में 31 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश हुआ है। दस साल में हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स में 500% वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 18 वर्ष से ऊपर का शायद ही कोई भारतीय हो जिसके पास उसकी डिजिटल पहचान यानी आधार कार्ड न हो। एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए।
आज 18 वर्ष से ऊपर का शायद ही कोई भारतीय हो जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी आधार कार्ड नहीं है। आज 530 मिलियन यानी 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं। यानी 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा, जनधन, आधार और मोबाइल की इस ट्रिनिटी ने एक और ट्रांसफॉर्मेशन को गति दी है। कभी लोग कहते थे कि कैश इज किंग। आज दुनिया का करीब करीब आधा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। पूरी दुनिया में भारत का यूपीआई फिनटेक का बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। आज गांव हो या शहर, सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या बर्फ गिर रही हो, भारत में बैंकिंग सर्विस 24 घंटे सातों दिन 12 महीने चलती रहती है। कोरोना के इतने बड़े संकट के दौरान भी भारत दुनिया के उन देशों में था जहां हमारी बैंकिंग सर्विस बिना किसी दिक्कत के चलती रही। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जनधन योजना की सफलता का भी जिक्र किया। जनधन योजना के चलते करीब 290 मिलियन यानी 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। इन खातों में महिलाओं के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए नए अवसर बनाए हैं। इन्हीं जनधन खातों की फिलॉसफी पर हमने माइक्रो फाइनेंस की सबसे बड़ी स्कीम मुद्रा लॉन्च की। इस स्कीम से अभी तक 27 ट्रिलियन रुपए से अधिक का क्रेडिट दिया जा चुका है। 27 ट्रिलियन। इस स्कीम की करीब 70% बेनिफिशियरी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित करते हुए रेगुलेटर से साइबर फ्रॉड रोकने और लोगों की डिजिटल समझ बढ़ाने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया। फिनटेक ने फाइनेंशियल सर्विस को डेमोक्रेटिक बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। लोन, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट सबके लिए आसानी से सुलभ हो रहे हैं। फिनटेक ने एक्सेस टू क्रेडिट को भी आसान और इंक्लूसिव बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में फिनटेक सेक्टर द्वारा लाया गया बदलाव केवल टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक प्रभाव दूरगामी है। आज कुछ ही मिनटों में घर बैठे ही डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स ऑनलाइन मिल रही है। आज बड़ी संख्या में भारतीय
रिमोट हेल्थ केयर सर्विस ले रहे हैं, डिजिटली ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं, ये भी फिनटेक्स के बिना संभव नहीं था। यानी भारत की फिनटेक क्रांति डिग्निटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको बेहतर बनाने में भी बड़ा रोल निभा रही है। 21वीं सदी की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। फिनटेक सेक्टर की मदद के लिए सरकार पॉलिसी लेवल पर हर जरूरी बदलाव कर रही है। AI के दुरुपयोग से जुड़ी आपकी चिंताओं को भी समझता हूं, इसलिए भारत ने AI के एथिकल यूज के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने का भी आह्वान किया है। साथियों, फिनटेक सेक्टर की मदद के लिए सरकार पॉलिसी लेवल पर हर जरूरी बदलाव कर रही है। हाल में हमने एंजल टैक्स को हटाया है। ठीक नहीं किया, इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मुंबई में GFF प्रदर्शनी का भी दौरा किया, जिसमें फिनटेक परिदृश्य के नवाचार दर्शाए गए हैं। फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त रूप है। वैश्विक फिनटेक सम्मेलन 2024 का आयोजन भारतीय भुगतान परिषद, राष्ट्रीय भुगतान निगम और फिनटेक समन्वय परिषद ने संयुक्त रूप से किया है। भारत के समुद्र साक्षी हैं संपन्नता, विकास और खुशहाली के। समुद्र तटीय अर्थव्यवस्था देश के 40 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन का सहारा है। ये तटीय समुदायों का पालन पोषण करते हैं। विशाल समुद्री हितों के साथ भारत में समुद्री अर्थव्यवस्था का देश के आर्थिक विकास के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध है। समुद्री संपर्क और अवसंरचना में सुधार कर अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ाने पर सरकार का विशेष जोर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में वाधवन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी और कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने लगभग 1,560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत के समुद्री तट पर विकास ने अभूतपूर्व गति पकड़ी है। आज वाढ़वण पोर्ट पियर पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया में वाढ़वण पोर्ट की बराबरी करने वाले 20 मीटर जितनी गहराई वाले बहुत कम बंदरगाह है। इस पोर्ट पर हजारों जहाज आएंगे, कंटेनर आएंगे, इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल जाएगी। सरकार वाढ़वण पोर्ट को रेल और हाईवे कनेक्टिविटी से भी जोड़ेगी। कितने ही नए व्यापार इस पोर्ट की वजह से यहां शुरू होंगे। यहां वेयरहाउसिंग के काम में बहुत तेजी आएगी और इसकी लोकेशन ये तो सोने पर सुहागा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सब कुछ बहुत पास है। पूरे साल यहां से कार्गो आएगा जाएगा और इसका सबसे ज्यादा लाभ आप लोगों को मिलेगा,
मेरे महाराष्ट्र के भाई बहनों को मिलेगा, मेरी नई पीढ़ी को मिलेगा। साथियों, महाराष्ट्र का विकास ये मेरी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आज मेक इन इंडिया का लाभ महाराष्ट्र को हो रहा है, आज आत्मनिर्भर भारत अभियान का लाभ महाराष्ट्र को हो रहा है, आज भारत की प्रगति में हमारा महाराष्ट्र बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत अपने गौरव और सामर्थ्य को पहचानता है, यही वजह है कि समुद्र इंफ्रास्ट्रक्चर में नए मील के पत्थर स्थापित किए जा रहे हैं। नया भारत इतिहास से सबक लेता है, नया भारत अपने सामर्थ्य को पहचानता है, नया भारत अपने गौरव को पहचानता है, गुलामी की बेड़ियों के हर निशान को पीछे छोड़ते हुए नया भारत समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में मील के नए पत्थर लगा रहा है। साथियों, पिछले एक दशक में भारत के समुद्री तटों पर विकास को अभूतपूर्व गति मिली है। हमने बंदरगाहों को आधुनिक बनाया है, हमने जलमार्गों को विकसित किया है, जहाजों को बनाने का काम भारत में हो, भारत के लोगों को रोजगार मिले, सरकार ने इस पर जोर दिया है। इस दिशा में लाखों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, आज इसके परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर पोर्ट की क्षमता पहले की तुलना में दोगुनी हो गई है, निजी निवेश भी बढ़ा है, जहाजों के आने जाने के समय में भी कमी आई है। इसका लाभ किसे मिल रहा है? हमारे उद्योगों, हमारे व्यापारियों, जिनकी लागत कम हुई है। इसका लाभ हमारे युवाओं को मिल रहा है, जिन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। इसका लाभ उन नाविकों को मिल रहा है, जिनकी सुविधाएं बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मछुआरा भाई बहनों का कल्याण और संकट के समय उनकी सुरक्षा शुरू से ही उनकी बड़ी प्राथमिकता रही है। हम आधुनिक टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट की मदद से इन खतरों को भी कम कर रहे हैं। आज जो ये वेसल कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू हुआ है, वो तो हमारे मच्छीमार भाई बहनों के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। सरकार मछली पकड़ने वाले जहाजों पर 1,00,000 ट्रांसपोंडर लगाने जा रही है। इसकी मदद से हमारे मछुआरे साथी अपने परिवारों से, बोट मालिकों से, फिशरीज डिपार्टमेंट से, समुद्र की सुरक्षा करने वालों से हमेशा जुड़े रहेंगे। चक्रवात के समय, समुद्र में किसी अनहोनी के समय हमारे मछुआरे साथी जब चाहे अपना संदेश सैटेलाइट की मदद से किनारे पर संबंधित लोगों को भेज पाएंगे। संकट के समय आपका जीवन बचाना, आप तक सबसे पहले पहुंचना
सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 76,000 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार बनाना है, जो बड़े कंटेनर जहाजों की जरूरतों को पूरा करते हुए समुद्र के तटीय तल को गहरा बनाकर और विशाल मालवाहक जहाजों को समायोजित करके देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। वाधवन बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मार्गों को सीधा संपर्क प्रदान करेगा, जिससे पारगमन समय और लागत कम होगी। अत्याधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचे से लैस इस बंदरगाह में गहरी गोदी, कुशल कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं और आधुनिक बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली होगी। यह बंदरगाह रोजगार के अवसर पैदा करेगा, स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहित करेगा और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देगा। एक बार चालू होने के बाद यह बंदरगाह भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लगभग 1,560 करोड़ रुपए की लागत वाली 218 मछली पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया, जिनका उद्देश्य पूरे देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इन पहलों से मत्स्य पालन क्षेत्र में 5,00,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने लगभग 360 करोड़ रुपए की लागत से पोत संचार और सहायता प्रणाली के नेशनल रोल आउट का शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मशीनीकृत और मोटर चालित मछली पकड़ने वाले जहाजों पर चरणबद्ध तरीके से 1,00,000 ट्रांसपोंडर लगाए जाएंगे। पोत संचार और सहायता प्रणाली इसरो की ओर से विकसित स्वदेशी तकनीक है, जो मछुआरों के समुद्र में रहने के दौरान दो तरफा संचार स्थापित करने में मदद करेगी और बचाव कार्यों में भी मदद करेगी और साथ ही हमारे मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री की ओर से उद्घाटन की जाने वाली अन्य पहलों में मछली पकड़ने की बंदरगाहों और एकीकृत जल पार्कों का विकास, साथ ही रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और बायोफ्लोक जैसी उन्नत तकनीकों का अपनाना शामिल है। ये परियोजनाएं कई राज्यों में लागू की जाएंगी। मछली उत्पादन बढ़ाने, मछली पकड़ने के बाद उनके प्रबंधन में सुधार करने और मत्स्य पालन क्षेत्र में शामिल लाखों लोगों के लिए स्थायी आजीविका बनाने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा और उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री ने मछली पकड़ने के केंद्रों के विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण और मछली बाजारों के निर्माण सहित महत्वपूर्ण मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इससे मछली और समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रबंधन के लिए आवश्यक सुविधाएं और स्वच्छ परिस्थितियां उपलब्ध होने की आशा है। टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।